अभी तक क्वेश्चंस जो भी हैं ना वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करें, ठीक है? तो मैं देख लूँगा क्वेश्चंस, फिर मैं वहीं पे डिस्कस भी कर लूँगा या फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना? जो भी पास पेपर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करें, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएंगे उसी टाइम पर, ठीक है? या मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा उसमें। अच्छा जी, ये अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 42, ठीक है जी। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से ही है। राइट डाउन व्हाट यू वुड सी एंड राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस दैट अकर व्हेन सिलिकॉन 4 क्लोराइड एंड फॉस्फोरस 4-5 क्लोराइड सेपरेटली। तो आई थिंक अब ये रिएक्शंस तो सबको क्लियर होंगे, तो इस क्वेश्चन को तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? आयरन 3 क्लोराइड FeCl3 इज़ यूज टू डिजॉल्व अनवांटेड कॉपर। एक मिनट बटन होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास मोल से क्वेश्चन है। आयरन 3 क्लोराइड इज़ यूज टू डिजॉल्व अनवांटेड कॉपर फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पीसीबीज बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है? आप आयरन 3 क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं टू डिजॉल्व अनवांटेड कॉपर, ठीक है? और जब ये मतलब बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल अगर हम देखें तो आयरन +3 से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, कॉपर 0 से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? और ये आपके पास सिंपल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट अ सोल्यूशन इन विच Fe+3 वॉज ओरिजिनली इक्वल टू 1.5 मोल्स पर Dm³, ठीक है? आपके पास कोई सोल्यूशन था जिसमें Fe+3 आयंस की कंसनट्रेशन कितनी है, 1.5 मोल्स पर Dm³, वॉज री यूज सेवरल टाइम्स टू डिजॉल्व कॉपर फ्रॉम PCBs एंड वॉज देन टाइट्रेटेड एज फॉलोज, ठीक है? आपके पास कोई सोल्यूशन था Fe+3 का जिसकी एक्चुअल कंसनट्रेशन थी 1.5 मोल्स पर Dm³, जिसको आपने सेवरल टाइम यूज़ किया है टू डिजॉल्व कॉपर फ्रॉम द PCBs एंड वॉज देन टाइट्रेटेड एज फॉलोज। फिर आपने इसकी टाइट्रेशन की है, तो अब ये वही बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन आ गया कि 2.50 Cm³ सैम्पल ऑफ द पार्शली यूज सोल्यूशन, यूज अप सोल्यूशन, ठीक है? कितना वॉल्यूम दिया है हमने, 2.5 Cm³। सैम्पल ऑफ द पार्शली यूज अप सोल्यूशन वॉज एसिडिफाइड एंड टाइट्रेटेड विद 0.02 मोल्स पर Dm³ KMnO4। दिस ऑक्सीडाइजेज एनी FeCl2 इन द सोल्यूशन बैक टू FeCl3, क्योंकि री यूज मतलब आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो इसमें FeCl2 आइंस जो है FeCl2 मौजूद होगा, ठीक है? तो KMnO4 जो है वो FeCl2 को दोबारा ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, FeCl3 में। इट वॉज फाउंड दैट 15 Cm³ ऑफ KMnO4 वॉज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट, ठीक है जी? सो कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Fe+2 एंड MnO4- इन एसिड सोल्यूशन। अब ये Fe+2 और MnO4 की इक्वेशन आई होप कि ये इतनी बार आपने बना ली होगी, सबको याद भी हो गई होगी, और अगर नहीं तो आप सिंपल डेटा बुकलेट से जाके +2, +3 और MnO4, MnO2, यानी आपने जस्ट सिंपल ये इक्वेशंस देख लेनी है, Fe+2, +3 एंड MnO4- Mn2+, ठीक है? ये इक्वेशंस आपने देख लेनी है। तो ये इक्वेशन सिंपल क्या है कि आपके पास 5 Fe2+ + 8 H+ + MnO4
माइनस मेक्स Mn 2 प्लस प्लस 4 H2O प्लस 5 Fe 3 प्लस, ठीक है, ये इक्वेशन। हाँ जी, इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किस तरह से बननी है? जस्ट आप दोनों इक्वेशंस जो हैं वो डेटा बुकलेट से निकालें और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है स्टेट हेयर दी Fe प्लस 2 MnO4 माइनस रेशियो फ्रॉम योर इक्वेशन। तो रेशियो क्या है, 1:5 है या 5:1 कह लें, Fe प्लस 2 का और MnO4 का रेशियो क्या है, 5:1। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंगनेट आइंस यूज्ड इन दी टाइट्रेशन। आपने मैंगनेट आइंस के मोल कैलकुलेट कर लिए जी, क्या मोल्स आ रहे हैं, कितने मोल्स आ रहे हैं, 3×10⁻⁴। ये आपके पास मोल्स आ गए 3×10⁻⁴, ये मोल्स आ गए। ठीक है, मोल्स ऑफ मैंगनेट आइंस, क्योंकि KMnO4 की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो 1:1 का रेशियो है KMnO4 और मैंगनेट आइन का, तो दिस वुड बी द मोल्स ऑफ मैंगनेट आइंस। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ इन 2.5 cm³ ऑफ द पार्शली यूज्ड अप सॉल्यूशन। तो 1:5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 5 करने से कितने मोल्स आ गए, Fe2+ के मोल्स कितने हो जाएंगे, 1.5×10⁻³, 1.5×10⁻³ मोल्स, ये आपने Fe2+ के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन इन दी कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ इन दी पार्शली यूज्ड अप सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, आपके पास मोल्स आ चुके हैं, वॉल्यूम आपने कितना लिया था 2.5 cm³, तो जस्ट सिंपल आपने यहाँ से कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेनी है, कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, 0.6 mol/dm³। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन इन दी पार्शली फिल्ड यूज्ड अप सॉल्यूशन, तो ये आपके पास 0.6 mol/dm³ जी। किसी को क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सबको क्लियर है? हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर दैट कुड स्टिल बी डिसॉल्व्ड बाय 100 cm³ ऑफ द पार्शली यूज्ड अप सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास जो पार्शली यूज्ड अप सॉल्यूशन है उसमें स्टिल मतलब आप पहले से इसको यूज़ कर चुके हैं, बट अभी भी इसमें कितना कॉपर हम मजीद डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना वॉल्यूम है आपके पास इस पार्शली यूज्ड अप सॉल्यूशन का, 100 cm³। हाँ जी, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर दैट कुड स्टिल बी डिसॉल्व बाय 100 cm³ ऑफ द पार्शली यूज्ड अप सॉल्यूशन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 1.5 mol/dm³। ठीक है, और आपने टोटल कितना वॉल्यूम लिया, 100 cm³। तो अगर हम देखें एक्चुअल सॉल्यूशन में Fe प्लस 3 की कंसंट्रेशन कितनी थी, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन थी कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5 mol/dm³। तो ओरिजिनली हमारे पास कंसंट्रेशन थी 1.5 mol/dm³, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने थे Fe प्लस 3 के, 100/1000, तो ये आपके पास कितने मोल्स आ जाएंगे Fe प्लस 3 के, दैट वुड बी 0.15 mol। ठीक है, ये मोल्स आ गए इन दी एक्चुअल सॉल्यूशन, जो आपके पास एक्चुअल सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें आपके पास इतने मोल्स थे। अब फिर उसके बाद जो आप कह लें कि लास्ट में आपके पास ये आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट की है 0.6 mol/dm³। ठीक है, ये 0.6 mol/dm³ ये Fe प्लस 2 आइंस की, तो अब आपके पास यानी अगर हम सिंपल ये कहते हैं कि
सिंपल यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसमें एफ ई प्लस टू के कंसेंट के मोल्स कितने होंगे। तो एफ ई प्लस टू के मोल्स निकालने के लिए 0.6 इज इक्वल्स टू, यानी ये जो आपका यूज्ड अप सॉल्यूशन है इसमें एफ ई प्लस टू के मोल्स कितने आ जाएंगे, 100 आपके पास टोटल वॉल्यूम है तो ये कितने आ जाएंगे 0.06 मोल्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास मोल्स ऑफ एफ ई प्लस थ्री आइंस, जो एक्चुअल आपके पास मोल्स ऑफ एफ ई प्लस थ्री आइंस थे। और अब हमारे पास एफ ई प्लस टू आइंस कितने रह गए, यानी हमारे ये कितने एफ ई प्लस थ्री जो है वो एफ ई प्लस टू में कन्वर्ट हो गए, यानी ये आपके पास है एफ ई प्लस टू। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर दैट कुड स्टिल बी डिजॉल्व बाय द 100 सी एम क्यूब ऑफ पार्शली यूज्ड अप सॉल्यूशन। तो कॉपर को डिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए एफ ई प्लस थ्री। ठीक है, एफ ई प्लस थ्री आइंस होने चाहिए। तो हमने सिंपल ये देखना है कि हमारे पास एक्चुअल में से कितने बच चुके हैं। 0.06 तो जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं एफ ई प्लस टू के अंदर, तो अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं 0.15 माइनस 0.06 तो ये पता लग जाएगा कितने एफ ई प्लस थ्री आइन स्टिल सॉल्यूशन में मौजूद हैं। तो 0.16 माइनस 0.15 माइनस 0.06 दैट वुड बी 0.09। तो हमारे पास अभी भी सॉल्यूशन में 0.09 मोल्स ऑफ एफ ई प्लस थ्री मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एफ ई प्लस थ्री के मोल्स आ गए, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ कॉपर। तो एफ ई प्लस थ्री और कॉपर का अगर आप यहाँ से देखें तो रेशो क्या है, 2:1। तो जितने मोल्स आपके पास प्लस थ्री के आए हैं कॉपर के मोल्स, उसके हाफ हो जाएंगे। तो अगर एफ ई प्लस थ्री के मोल्स हैं 0.09 डिवाइडेड बाई 2 तो दैट वुड बी 0.045। ये आ गए मोल्स ऑफ कॉपर, और मोल्स ऑफ कॉपर आ गए। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है तो जस्ट सिंपली इसके एम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.045 मल्टीप्लाई बाई 63.5। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.86 ग्राम। हाँ जी, क्लियर है ये। पहले आपने ये देख लिया कि कितने आपके पास एफ ई प्लस थ्री आइंस मौजूद थे, फिर उसमें से कितने एफ ई प्लस टू में कन्वर्ट हुए, तो आपने सिंपल फिर उसमें से माइनस कर लिया, तो आपको ये पता लग जाएंगे कि कितने एफ ई प्लस थ्री आइंस बच गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि कॉपर आइन को डिसॉल्व करने के लिए एफ ई प्लस थ्री आइंस चाहिए, तो फिर आपने कॉपर आइंस के कॉपर की मास जो है वो फाइंड आउट कर लिया। एफ ई प्लस थ्री आइंस के मोल्स आ गए, उसको कॉपर के मोल्स में कन्वर्ट करें और मास फाइंड आउट कर लें। ठीक है जी, क्लियर। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, नेक्स्ट है, व्हेन SiCl4 वेपर इज पास्ड ओवर सिलिकॉन एट रेड हीट Si2Cl6 इज फॉर्म। Si2Cl6 कंटेन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, द रिएक्शन ऑफ Si2Cl6 एंड क्लोरीन रीफॉर्म SiCl4। यूज बॉन्ड एनर्जी डेटा, अगेन बॉन्ड एनर्जी डेटा का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, इस किस्म के सवालों को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पे देखें आपके पास Si2Cl6 है। मैं जस्ट थोड़ा सा आप कैलकुलेशन तो खुद से कर लेंगे, मैं जस्ट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। लेट से ये मेरे पास Si, ये Cl आ जाएंगे, 3 Cl, इधर भी 3 Cl हैं, प्लस Cl2, ये Cl2 आ गया, दिस मेक्स 2 SiCl4। तो हमारे पास 2 SiCl4 हैं, SiCl4। ठीक है, तो दैट मींस कि हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे 8 बॉन्ड्स हैं। अब अगर आप देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, आपके पास SiCl बॉन्ड रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 8। तो 6 में से 8 कैंसिल हो गए, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे सिंपल कितने बच गए, 2। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ वाले सारे SiCl बॉन्ड जो हैं वो कैंसिल हो गए, और यहाँ से कैंसिल होने के बाद कितने बच गए, वी लेफ्ट विथ 2 SiCl बॉन्ड्स। तो आपको सिर्फ 2 SiCl की देखनी है, और अब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, SiSi, यानी आपको अब रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ क्या देखना है, सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड लेंथ प्लस क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, और प्रोडक्ट साइड पे सिंपल क्या देखना है, SiCl मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है जैसे आपको बेहतर लगे, बट ये है कि इससे थोड़ी सी ज़रा आसानी हो जाती है अगर आप बॉन्ड्स कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है जी,
चार हैं बट टू मोल्स है ना बेटा, टू एस आई सी एल फोर, तो टोटल एट होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है कैल्शियम फॉर्म थ्री कैल्शियम सिलिकाइड्स सी ए टू एस आई सी एस आई एंड सी एस आई टू। द फर्स्ट ऑफ दीज रिएक्ट्स विद वाटर एज फॉलोज, बैलेंस दिस इक्वेशन, यू मे फाइंड द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स हेल्पफुल। ठीक है, आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है, अगर आप एक ऑक्सीडेशन नंबर ना भी यूज़ करें तो भी ये बैलेंस हो जाएगी टू सी ए। ठीक है, उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे, टू टू द फोर और टू सिक्स। ठीक है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं तो इसको हम अगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, टू टू द फोर और टू सिक्स हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिक्स हो गए, ट्वेल्व हाइड्रोजन तो चार ये हो गए, तो यहाँ पे कितने हो जाने चाहिए एट, तो ये फोर और मेरे ख्याल में अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली। उसके बाद ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विच एलिमेंट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर हम देखें तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस टू इंटू टू, सिलिकॉन माइनस फोर, सिलिकॉन है माइनस फोर, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, सिलिकॉन प्लस फोर, तो सिलिकॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन जो है ये माइनस वन से ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, सॉरी प्लस वन से ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, हाइड्रोजन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज एन इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप नीडेड टू मेजर द ई सेल ऑफ अ सेल कंपोज्ड ऑफ द स्टैंडर्ड सी यू टू प्लस सी यू एंड ए जी प्लस ए जी इलेक्ट्रो, स्टेट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन ए। कॉपर को आपने डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो सकता है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि दिस वुड बी वन मोलर सी यू टू प्लस, या कॉपर सल्फेट कह दें, कॉपर नाइट्रेट कह दें, इलेक्ट्रोड बी सोल्यूशन ऑफ ए जी सी एल, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोड बी इज सिल्वर। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप, डायग्राम कंप्लीट करनी है तो सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा और वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, the above cell is not under standard condition, the above cell is not under standard condition because the silver ion concentration in a saturated solution of AgCl is much less than 1, kyunki AgCl partially soluble hai, AgCl is partially soluble, ye completely dissolve nahi hota, so in a real world you never get 1 mole per dm cube AgCl, theek hai, ye dhyan mein rakhein, the concentration of Ag silver ion would be much less than 1 mole per dm cube due to the partial solubility of AgCl. So the E electrode is related to Ag plus by the following equation. ठीक है, ये Nernst equation आ गई related to one electrode. ठीक है, आप Nernst equation cell के लिए भी पढ़ते हैं, ये electrode के लिए है. Use the data booklet. Use the data booklet to calculate the E naught cell if the cell was operating under standard condition. तो जस्ट आपने ई नॉट वैल्यूज़ जो है वो देख लेनी है, ठीक है, और आपने कैलकुलेट कर लेनी है, तो सिल्वर वाले हाफ सेल की है ए जी प्लस, ए जी इज 0.80 और कॉपर सी यू टू प्लस सी यू दैट इज प्लस 0.34, तो दैट मीन्स ई नॉट सेल क्या हो जाएगी, E naught cell would be E reduction minus oxidation, silver would be reduced, so 0.80 minus 0.34, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.46, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं कि इन द अबव एक्सपेरिमेंट द ई सेल वॉज मेजर्ड एट 0.17 वोल्ट, यानी आनी क्या चाहिए थी 0.46, बट क्योंकि सिल्वर की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है इस वजह से क्या आ रही है, ई सेल 0.17। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई इलेक्ट्रोड फॉर द सिल्वर आइन हाफ सेल इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो मतलब अगर आप कह लें कि अगर सिल्वर वाले हाफ सेल की इलेक्ट्रोड होता 0.80 तो ई सेल आनी चाहिए थी 0.46, बट ई सेल क्या आ रही है 0.17, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 0.80 से कम है, और कितनी कम है वो आप यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो सेम है,
ये सेम है, डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, सिल्वर की वजह से। तो आप 0.46 में से 0.17 माइनस करें, 0.46 माइनस 0.17, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.29। तो इसका मतलब सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी है, 0.80 माइनस 0.29, सो दैट इज़ 0.51। ठीक है, तो ये आपका सिल्वर। यूज़ इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन निकालनी है, फॉर्मूला आपके पास आ गया है, ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ई नॉट इलेक्ट्रोड भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ई इलेक्ट्रोड भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी ऑफ सिल्वर सल्फेट। बिल्कुल सिंपल सवाल है, स्किप करते हैं। यूजिंग अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट सेटअप टू इट इज़ फाउंड दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केएसपी। कंसंट्रेशन दे दी है आपको सिल्वर आयन की, केएसपी की वैल्यू निकालनी है। अगेन वही सवाल, केएसपी इज इक्वल्स टू 4x³, तो ये आप कर लेंगे, इसको भी स्किप करते हैं। डिस्क्राइब हाउ द कलर्स, जी ये आते हैं ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन क्वेश्चन में, पिछले पेपर्स में भी हम ऐसे सवाल सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप ये सबको क्लियर होंगे। आपने जिस केएसपी की एक्सप्रेशन लिखनी है, केएसपी की एक्सप्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ SO4 टू माइनस, यूनिट क्या हो जाएंगे, मोल्स पर डीएम क्यूब, ये स्क्वायर है ये वन है, तो मोल्स क्यूब और डीएम माइनस 9, और फिर उसके बाद ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें और केएसपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Describe how the colors of the silver halide, and their relative solubilities in NH3 can be used to distinguish between solutions of the halide ions Cl- Br- and I-. अच्छा जी, तो अब इसमें क्या है, आपने सेपरेशन करनी है, मतलब ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द कलर्स ऑफ द सिल्वर हैलाइड्स। आपके पास तीन डिफरेंट हैलाइड्स हैं, AgCl, AgBr और AgI। ठीक है, पहली बात तो ये तीनों इंसॉल्युबल हैं और इनके कलर्स आई होप सबको याद होंगे, AgCl गिव्स वाइट PPT, AgBr गिव्स क्रीम PPT एंड AgI गिव्स येलो PPT। ठीक है, बट ये कलर इतने इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं कि आप इनको मतलब क्लियरली आप नहीं कह सकते कि ये वाइट है या क्रीम है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या थी, डिस्क्राइब हाउ द कलर्स ऑफ द सिल्वर हैलाइड एंड द रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज एंड अमोनिया कैन बी डिस्टिंग्विश, कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ, यानी अगर आपके पास तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस हो तो कलर्स और सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो कलर की बेस के ऊपर तो आप ये कर सकते हैं। अब अगर आपने मतलब कन्फर्मेशन के लिए फिर आप क्या करते हैं, ऐड एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं। ठीक है, एक्वस अमोनिया में क्लोराइड्स आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सॉलेबल, क्लोराइड्स आर सॉलेबल। आपको याद होगा हम कहते थे कि एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट अमोनिया AgCl PPT वुड डिजॉल्व। ठीक है, ये डिजॉल्व हो जाएगी। AgBr इट ओनली डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, तो आप ये कह सकते हैं कि AgBr का जो PPT है दैट इज पार्शली सॉल्युबल, ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, पार्शली होता है, इसलिए कंसनट्रेटेड में थोड़ा हीट करेंगे डिजॉल्व हो जाएगा। और जो सिल्वर आयोडाइड का PPT है दैट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। ठीक है जी, तो दैट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, तो हम ये कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटीज डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम क्लोराइड टूवर्ड्स आयोडाइड, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम क्लोराइड टू आयोडाइड। जी क्लियर है ये बात, ठीक है जी। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सल्फेट्स। अगेन यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है जी,
सल्फेट्स डाउन द ग्रुप लेस सॉल्युबल होते जाते हैं. कैटलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? तो होमोजीनियस मींस के सेम फेज में हैं, हेट्रोजीनियस मींस के डिफरेंट फेज में हैं. सेम फेज एंड डिफरेंट फेज. अच्छा जी, बाय यूजिंग आयरन एंड इट्स कंपाउंड्स एज एग्जांपल. ठीक है, आपने किसकी एग्जांपल लेनी है? आयरन एंड इट्स कंपाउंड्स एज एग्जांपल. आउटलाइन द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. चूज वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. वन फॉर ईच एग्जांपल यू शुड यूज एंड फॉर ईच एग्जांपल यू शुड स्टेट व्हाट द कैटलिस्ट इज एंड वेदर इट इज एक्टिंग एज अ होमोजीनियस और अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एंड राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. ठीक है, पहली चीज़ आपको ये बतानी है कि कैटलिस्ट क्या है. दो आपने रिएक्शंस लेने हैं, एक होमोजीनियस के लिए, एक हेट्रोजीनियस के लिए. उसमें कैटलिस्ट बताना है और कैटलिस्ट या तो आयरन होना चाहिए या उसका कोई कंपाउंड. इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड इक्वेशन, एंड आउटलाइन हाउ द कैटलिस्ट यू हैव चोजन वर्क टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. हाँ जी, तो सिंपल आप जो हेट्रोजीनियस के लिए तो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, वी कैन टेक हैबर प्रोसेस. हैबर प्रोसेस की एग्जाम्पल ले सकते हैं. एन टू प्लस थ्री एच टू मेक्स 2NH3. कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें आयरन यूज़ कर रहे हैं. टाइप ऑफ कैटलाइसिस क्या है? हेट्रोजीनियस है. हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस है बिकॉज जो नाइट्रोजन है इज इन गैस फेज, हाइड्रोजन इज इन गैस फेज, अमोनिया इज इन गैस फेज एंड आयरन इज. अच्छा, ये ध्यान में रखें, हैबर प्रोसेस में वी कैन यूज कंपाउंड ऑफ आयरन एज वेल. इंस्टेड ऑफ आयरन वी कैन यूज Fe3O4 एज वेल, बट ये बहुत रेयरली जो है वो यूज़ हो रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे ओनली गिव आयरन. ठीक है. अच्छा, अब वर्किंग हाउ आउटलाइन हाउ द कैटलिस्ट यू हैव चोजन वर्क टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. कैसे कम करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को? बाय एड्सॉर्प्शन. याद होगा आपको जो हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस होता है ये किस तरह से होगा कि बेसिकली आपने आयरन की प्लेट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, लेट सपोज हमने कहा कि ये आयरन की प्लेट्स हैं. ठीक है, इन प्लेट्स पे एड्सॉर्प्शन होगी. हाइड्रोजन जो है दे गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस. लेट्स से ये हाइड्रोजन जो है ये दिस गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस. सो हाइड्रोजन गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, नाइट्रोजन गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस. एंड तो मतलब जो नाइट्रोजन का जो आपस में बॉन्ड था वो वीक हो गया. नाउ इट कैन ईजिली मेक बॉन्ड विद हाइड्रोजन. ठीक है, ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है. तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस हाउ इट वर्क्स, बाय एड्सॉर्प्शन. फर्स्ट क्या होती है? एड्सॉर्प्शन होती है, देन रिएक्शन होता है, एंड देन डिसॉर्प्शन होती है. फिर जब अमोनिया बन जाएगा तो ये कैटलिस्ट से अपनी जान छुड़ा लेगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगी, अलग हो जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है ये बात? नहीं नहीं, डायग्राम बनाने की वो तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बात कर रहा हूँ, आपने तो उसको वर्ड्स में जस्ट डिस्क्राइब कर देना है. जी, सबको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद होमोजीनियस की एग्जांपल कौन सी होगी? हाँ जी, कोई बताएगा होमोजीनियस की एग्जांपल? आपके सिलेबस में से होमोजीनियस की एग्जांपल जिसमें हम आयरन को यूज़ करेंगे, बिल्कुल थायोसल्फेट वाली S2O3- ठीक है, तो हम S2O8-, ठीक है, थायोसल्फेट यूज़ करेंगे S2O8. दूसरी एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास? S2O8-2- रिएक्ट्स विद 2I- टू मेक 2SO4-2- प्लस I2. ठीक है, तो ये थायोसल्फेट रिएक्ट विद आयोडाइडाइन, ये भी एक्वस है, दिस इज अगेन एक्वस, सल्फेटाइन एक्वस, ठीक है, और आयोडीन एक्वस फॉर्म. अब इस रिएक्शन का प्रॉब्लम सिर्फ क्या है? ऑल्दो ये रिएक्शन होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बोथ दी आयंस आर इन नेगेटिव स्टेट, तो इस वजह से रिपल्शन होगी. तो वी कैड यूज आइदर Fe2+ और Fe3+. आप Fe2+ भी यूज़ कर सकते हैं, Fe3+ भी यूज़ कर सकते हैं. Fe2+ यूज़ करेंगे तो ये एज एन ये फिर किसमें ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा,
और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एफ ई थ्री प्लस के अंदर। तो एफ ई टू प्लस जो है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 × 8 -18, ठीक है। तो हमें क्या आंसर लाना है, -2 -2, तो सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, H2O8 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, +7, ठीक है जी, +7 हो जाएगा, 7 क्योंकि आपको -2 × 8 -16, तो ये +7 × 2 +14, +14 - 16, तो आंसर आएगा -2। और यहाँ पे सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या है, -2 × 2 - 8, तो ये यहाँ पे +6 है, मतलब सल्फर जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप Fe2+ यूज़ करेंगे, अच्छा अब ये क्योंकि मतलब आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, ये एक्वस फॉर्म में है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएजेंट्स हैं, वो भी एक्वस में हैं, तो दिस इज़ नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। सो होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि कैटलिस्ट एक्चुअली गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है। तो H2O8 2 माइनस विल रिएक्ट विद Fe2+, वी गेट 2SO4 2 माइनस प्लस Fe3+, देन दिस Fe3+ विल रिएक्ट विद Fe3+ विल रिएक्ट विद 2i माइनस, अगेन वी गेट Fe2+, ये वापस मिल गया प्लस I2, ठीक है। तो Fe2+ जो है ये आपने यूज़ किया था, एट दी एंड ये आपको वापस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप Fe3+ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई, फिर आप Fe3 आयोडाइड वाली इक्वेशन पहले लिख लेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स आ गए, ठीक है जी। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी ये बात। इसके अलावा मेटल्स आ सकते हैं, मतलब हाँ अच्छा, इसमें अब वैसे क्या है कि जो आपके सिलेबस में से हैं ऑब्वियसली वही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब सिलेबस में आपने जो जो कैटलिस्ट पढ़ रखे हैं, क्योंकि आयरन जो है ये वाहिद ऐसा कैटलिस्ट है जो आपने देखा है कि मतलब आप कह लें कि जो आपके पास हैबर प्रोसेस में यूज़ हो रहा है एज ए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस में यूज़ हो रहा है एज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई ऐसा कैटलिस्ट आपने जो है वो नहीं पढ़ा कि जो दोनों जगह पे यूज़ हो रहा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेनेडियम है, ठीक है, या तो आपको कोई एग्जांपल ऐसी दी जाए, ठीक है, आपको कोई ऐसी एग्जांपल दे दी जाए कि हाँ जी ये रिएक्शन है। अब जैसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस में आपको मालूम है कि V2O5 जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अलावा कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए जिसमें बताया जाए कि जी वेनेडियम जो है इसको यूज़ किया गया है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, V3+ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है VO2+ के अंदर या और किसी स्टेट के अंदर, तो फिर आप इसको जो है वो बना सकते हैं, वरना अदरवाइज़ जज नहीं कर सकते। अब ये क्या था, ये जो मतलब ये दोनों रिएक्शन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए आपको बताए बगैर आपसे पूछ लिया गया, मतलब आप अब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी लर्निंग भी चेक हो रही है कि कितना आपको याद है, ठीक है, और फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन होंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है बात। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन SO2, NO2 एंड O2 अकर्स इन 2 steps। अब देखें ये भी कैटालिसिस का प्रोसेस है, इसमें NO2 जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट, ये वापस मिल रहा है आखिर में, ये SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है SO3 में, ये एयर में प्रोसेस हो रहा है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन EA1 इज हायर देन दैट ऑफ द सेकेंड रिएक्शन EO2। ये दो रिएक्शन हो रहे हैं 1 और 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पहले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है इज़ हायर देन दैट ऑफ सेकेंड रिएक्शन, यूज़ द एक्सेस बिलो टू कंस्ट्रक्ट अ फुली लेबल्ड रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन, लेबलिंग EA1, EA2, ΔH1 एंड ΔH2। तो हमें दोनों रिएक्शंस के लिए रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनानी है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे दो स्टेप्स हैं, 2 steps इन्वॉल्व है, पहली चीज़ तो जो आपको ध्यान में रखना है कि 2 steps इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे 2 steps इन्वॉल्व हैं, तो NO2 और SO2 और लास्ट में फाइनली आपको क्या मिल रहा है,
हम ये कह देते हैं कि लेट्स से मैंने, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लास्ट में आपको NO2 वापस मिल जाएगा प्लस SO3 मिल रहा है, ठीक है। अब देखें पहले NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले NO2 कन्वर्ट हो रहा है यानी SO2 कन्वर्ट, यानी कि आपके पास यहाँ पे दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में NO2 कन्वर्ट हुआ NO में और SO3 में, और डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -88, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले स्टेप की भी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप कह लें कि लेट सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हम उसको ज़्यादा अच्छा बना नहीं सकूँगा बट जितना बेहतर बन जाए, ठीक है। लेट सपोज ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास ये पहला स्टेप आ गया, ठीक है, ये पहला। अब आप कहेंगे ये इसको हम नीचे क्यों ले गए, उसकी वजह क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है एन ओ और एस ओ थ्री, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एन ओ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू गिव एन ओ टू, और अगेन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ द सेकंड रिएक्शन, तो सेकंड रिएक्शन जो आप ड्रॉ करेंगे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हम कम ड्रॉ करेंगे, तो लेट्स से हमने कहा कि ये इस तरह से ड्रॉ हो गया, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। सो अब इसको अगर हम लेबलिंग कर लें तो हमारे पास ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर this is E EA1 and this is all this, को मुझे थोड़ा और कम कर देना चाहिए था ताकि डिफरेंस नज़र आता, या इसको थोड़ा सा बढ़ा दें आप ऊपर, इसको EA1 को आप थोड़ा सा और बढ़ा दें इसके कर्व को तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये EA2 EA2 is less than EA1, ठीक है। उसके बाद ये डेल्टा H1 है जो कि नेगेटिव थी, और ये डेल्टा H2 है, और अगेन ये भी मैंने थोड़ा सा इसको, मतलब आप कह लें कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप बन गया, इसको गैप को कम करते हैं क्योंकि इतना डिफरेंस है नहीं एनर्जी का, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्योंकि आपके पास कितनी एनर्जी है -88 और दूसरे में है -57, तो लेट्स से आपने कहा दिस इज -88, तो दूसरी ऑब्वियसली इससे कम होनी चाहिए, तो हम इसको लेट्स से यहाँ पे कम कर देते हैं, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा एच टू आ गई, एंड डेल्टा एच टू इज -57 जी, क्लियर है ये डायग्राम। हाँ जी, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन डायग्राम में, ऑक्सीजन मेंशन करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, आप कर दें तो वैसे, तो वैसे आप यूँ कह लें कि जो यहाँ पे आपने ड्रॉ करने हैं सिर्फ आपने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जीज शो करनी है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी शो करनी है, डेल्टा एच शो करनी है, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं शो करते तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने वैसे जस्ट समझाने के लिए लिख दिया, आप लिख दें ऑक्सीजन भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन भी लिखना चाहें ऑक्सीजन भी लिख दें, बस सिर्फ इनिशियल रिएक्टेंट क्योंकि मेंशन है तो हम फाइनल प्रोडक्ट भी मेंशन कर देंगे कि NO2 प्लस SO3, ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मेरे ख्याल में इसके मार्क्स कितने, सिर्फ दो मार्क्स की डायग्राम है, तो ये सिर्फ आपने दो लूप शो करने हैं और ई ए और डेल्टा एच को करेक्टली शो करना है जी बेटा, क्लियर है बात। ठीक है जी, सबको क्लियर है ये, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, ठीक है जी। तो चलें, ये पार्ट हो गया, इसके बाद अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हॉट टेस्ट ऑफ चिली पेपर्स इज कैप्सिकम, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैन बी डिड्यूस्ड बाय दी फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम, ठीक है जी। ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है कैप्सिकम का, C18H27NO3, ठीक है, और ये एक काफ़ी बड़ा सिंथेसिस दे दिया है।
आप कह रहे हैं कि कंपाउंड सी डी एंड ई ऑल रिएक्ट विद Na2 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा जी चलिए, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी बस फिर आज यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा, आज इसको यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है बेटा।